नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके ही चैनल फार्मेसी नॉलेज में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे 10 पोस्ट परमानेंट फार्मासिस्ट वैकेंसी के बारे में, जिसके लिए ऑल ओवर इंडिया के फ्रेशर कैंडिडेट भी एलिजिबल हैं। दोस्तों ये जो वैकेंसी है वो नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में आई है। बात करेंगे, ये 9 अक्टूबर 2024 का ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। फार्मासिस्ट पोस्ट की बात करें तो ये परमानेंट वैकेंसी रहने वाली है। इसमें हम देखेंगे कि क्या कुछ रहेगा, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, कैसे इस फॉर्म को अप्लाई करें, सब कुछ जानेंगे हम इस वीडियो में। दोस्तों सबसे पहले नांगल यूनिट, नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड के नांगल यूनिट में फार्मासिस्ट के पोस्ट जो हैं वो 2 रहने वाले हैं, जिसमें आप देख सकते हैं एक पोस्ट अनरिजर्व कैटेगरी के लिए है और एक पोस्ट जो है वो ST कैटेगरी के लिए रहने वाले हैं। इसके साथ ही आप देखेंगे, नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पर आ जाता है भटिंडा यूनिट। भटिंडा यूनिट में भी फार्मासिस्ट के यहाँ पर देखेंगे एक पोस्ट रखा गया है, यहाँ पर एक पोस्ट जो है वो अनरिजर्व कैटेगरी के लिए है। इसके नीचे स्क्रॉल डाउन जैसे ही हम करते हैं तो आप देखेंगे पानीपत यूनिट। पानीपत यूनिट में फार्मासिस्ट के टोटल 4 पोस्ट हैं। जैसे ही आप स्क्रॉल डाउन करते हो तो यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ पोस्ट जो देखेंगे वो 4 पोस्ट रहने वाला है। 3 पोस्ट अनरिजर्व यानी जनरल कैटेगरी के लिए और एक पोस्ट OBC कैटेगरी के लिए रहने वाला है। इसी तरह से आप जैसे ही पेज नंबर 8 पर जाते हैं तो यहाँ पर जो कि विजयपुर यूनिट में है, विजयपुर यूनिट में भी फार्मासिस्ट के 3 पोस्ट आए हैं, जो कि 3 पोस्ट अनरिजर्व यानी जनरल कैटेगरी के लिए रखे गए हैं। तो इस तरह से टोटल 10 पोस्ट हैं फार्मासिस्ट के। आप एक बार ऑफिशियल नोटिफिकेशन देख सकते हैं, टोटल 10 पोस्ट परमानेंट फार्मासिस्ट की वैकेंसी है। सैलरी सबका सेम रहेगा, 23,000 रुपये मिनिमम सैलरी रहने वाला है, 56,500 मैक्सिमम सैलरी यहां पर रहता है। अब हम बात करेंगे कि इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, सबसे पहले वो जान लेते हैं। तो पेज नंबर 12 पर जैसे ही आप जाएंगे तो यहाँ पर फार्मासिस्ट के मिनिमम क्वालिफिकेशन और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में बताया गया है। सबसे पहले मिनिमम एज की बात करें तो 18 साल मिनिमम एज रखा गया है। मैक्सिमम एज की बात करें तो 30 साल मैक्सिमम एज यहां पर रखा गया है। एसेंशियल क्वालिफिकेशन की बात करें तो 10+2 साइंस से होना चाहिए। इसके साथ ही डिप्लोमा इन फार्मेसी यानी डी फार्मा के कैंडिडेट एलिजिबल है। डी फार्मा में अगर आपके पास 50% मार्क्स आए हैं तो आप इस फॉर्म के लिए एलिजिबल हो। इसके साथ ही इंडियन फार्मेसी काउंसिल से या किसी भी स्टेट फार्मेसी काउंसिल से आप रजिस्टर्ड होना चाहिए तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हो। इसलिए मैंने वीडियो के शुरुआत में ही बोला कि ऑल ओवर इंडिया के कैंडिडेट इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं। इसके साथ ही आप देख सकते हैं एक और क्वालिफिकेशन है, अगर किसी के पास बैचलर डिग्री इन फार्मेसी यानी बी फार्मा है तो भी आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हो। बी फार्मा में आपका 50% मार्क होना जरूरी है और आप स्टेट और इंडियन फार्मेसी काउंसिल से रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट होना जरूरी है। तो डी फार्मा और बी फार्मा दोनों के कैंडिडेट यहां पर एलिजिबल हैं। शर्त यह है कि 50% मार्क मिनिमम मार्क आपका आने होने चाहिए। अब हम बात करेंगे कि क्या कुछ रहेगा इसका एप्लीकेशन फीस। तो पेज नंबर 15 पर जैसे ही हम जाते हैं तो एप्लीकेशन फीस के बारे में बताया गया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सीरियल नंबर 21 पर फार्मासिस्ट के पोस्ट के लिए एप्लीकेशन फीस जो रखा गया है वो 200 रुपीज का ऑनलाइन एप्लीकेशन फीस रखा गया है। इसको आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। ऑनलाइन एप्लीकेशन का जो डेट है वो स्टार्ट हो चुका है, 9 अक्टूबर 2024 से स्टार्ट हो चुका है और इसका लास्ट डेट जो रहने वाला है वो 8 नवंबर 2024 इसका लास्ट डेट रहने वाला है। तो आप इस वेबसाइट पर जाकर अपना कैरियर सेक्शन में जाकर आप अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं। ऑल ओवर इंडिया के कैंडिडेट जितने भी हैं फॉर्म फिल कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे कि इसके और क्या रहेगा एग्जाम का प्रोसेस। तो जैसे ही आप पेज नंबर 17 पर जाते हैं एग्जाम के प्रोसेस के बारे में यहाँ पर बताया गया है। तो एग्जाम का प्रोसेस जो होगा वो है होगा आपका ऑफलाइन मोड। ऑफलाइन मोड में आपका एग्जाम होगा, OMR बेस्ड एग्जाम होगा आपका, जिसमें आप देखेंगे कि सबसे पहले ऑफलाइन एग्जाम OMR बेस्ड होगा, जिसके लिए एग्जाम सेंटर यहाँ पर दिए गए हैं रांची, लखनऊ, चंडीगढ़, रायपुर, न्यू दिल्ली, नोएडा, बेंगलुरु, भोपाल, अहमदाबाद, हैदराबाद, चेन्नई, कोची, जयपुर, मुंबई, गुवाहाटी, कोलकाता, जम्मू, भुवनेश्वर, ग्वालियर, पटना, विजयवाड़ा, अमरावती, इन सब जगहों पर आपका एग्जाम सेंटर होगा। तो जो भी आपके नज़दीक में हो आप इन सब एग्जाम सेंटर में से चूज कर सकते हैं।
अब हम बात करेंगे मेनली कि इसका जो ऑफलाइन एग्जाम होगा उसका स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन क्या रहने वाला है। तो ओएमआर बेस्ड एग्जाम में आपको मेनली 2 घंटे का आपका एग्जाम लिया जाएगा। 2 घंटे में टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन जो रहेगा वो 150 टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन रहेगा। 2 घंटे यानी 120 मिनट का टाइम रहेगा, जिसमें से 100 क्वेश्चन जो है आपके क्वालिफाइंग कोर्स से रहेगा, यानी अगर आप फार्मासिस्ट हैं तो डिप्लोमा इन फार्मेसी लेवल के 100 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। वहीं दूसरे पार्ट में 50 क्वेश्चन होंगे, जिसमें से 50 क्वेश्चन में आपको जनरल इंग्लिश, मैथमेटिक्स, रीजनिंग एंड जनरल नॉलेज और अवेयरनेस से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। टोटल 150 मार्क का यहाँ पर आपका एग्जाम होने वाला है। टाइमिंग जो है वो 2 घंटे का रहने वाला है। इसके साथ ही एक चीज और बता दूं कि इस एग्जाम में कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं होगा, इसलिए आप 150 क्वेश्चन आपके पास हैं जिसमें 2 घंटे का टाइम है और कोई भी निगेटिव मार्किंग यहाँ पर नहीं रहने वाला है। इसके साथ ही हम देखेंगे कि आपका सिलेक्शन प्रोसीजर क्या रहेगा। तो आपका सिलेक्शन प्रोसीजर जो रहेगा, अगर आपने मिनिमम मार्क्स से ज्यादा या मेरिट लिस्ट में आपका नाम आ गया तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हो सकते हो। रिजर्वेशन कैटेगरी जो है, रिजर्वेशन कोटा जो है वो रहेगा ही, वो आप अपना देख लेंगे। इसके बाद हम देखेंगे कि इसका लास्ट डेट कब है, एक बार फिर से रिकॉल कर लेते हैं। तो कट ऑफ डेट जो है वो 30/9/2024 को है। ऑनलाइन एप्लीकेशन का डेट जो है वो 9 अक्टूबर 2024 से स्टार्ट हो चुका है। इसका ऑनलाइन जो लास्ट डेट है वो 8 नवंबर 2024 रहने वाली है। एडिट का डेट जो है वो 10 नवंबर से 11 नवंबर तक रहने वाला है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं, एक अच्छा मौका है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडरटेकिंग नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड में एज अ फार्मासिस्ट जॉब ज्वाइन करने का। इस तरह के इसका वैकेंसी का कैसे हम अप्लाई करें, तो यहाँ पर आपको अपना सब कुछ, कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन करना है, डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर, ये सब कुछ फिल करना है। देन जनरेट ओटीपी करके आपको अपना यूजर आईडी एंड पासवर्ड बनाना है। देन आगे का फॉर्म जो है वो आप फिल कर सकते हो। आप नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर रिक्रूटमेंट ऑफ नॉन एग्जीक्यूटिव इन NFL 2024 पर क्लिक करके इसके PDF को देख सकते हो। और इस रजिस्ट्रेशन ओपन हो चुका है, तो आप इसके फॉर्म को भी यहां से फिल कर सकते हो। थैंक यू दोस्तों, इसी तरह के फार्मेसी रिलेटेड वैकेंसी के लिए हमारे YouTube चैनल फार्मेसी नॉलेज से जुड़े रहें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।